तो पाकिस्तानी शहरी आज भी 56 रुपये 51 पैसे 71 पैसे डीजल पर नुकसान कर रहा है, 37 रुपये 84 पैसे लाइट डीजल ऑयल पे, 21 रुपये 83 पैसे कैरोसिन पे और 17 रुपये 2 पैसे पेट्रोल पे नुकसान कर रहा है। तो ये नुकसान बर्दाश्त करते हुए हुकूमत फिर भी कुछ ना कुछ बोझ आवाम पे डाला है और आज मिडनाइट से ये कीमतें 30 रुपये बढ़ जाएंगी। हम ये समझते हैं कि ये कदम जो है इससे मार्केटों के अंदर स्टेबिलिटी आएगी, मार्केट देखेगी कि हुकूमत पाकिस्तान इंशाल्लाह ये पॉजिटिव स्टेप लिया है, हुकूमत जो है वो डिटरमिंड है कि हम 1.5 साल 1 साल 2 महीने जो हमको वक्फ मिला है इसके अंदर मईशत को बेहतर करें। हम ये समझते हैं कि इससे रुपए को भी इस्तेहकाम मिलेगा और स्टॉक मार्केट भी आगे बढ़ेगी।